क्विक कंपैरिजन करने वाले हैं इन दोनों लो बजट स्मार्टफोन्स का। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल लक्स टेक पे। और भाई, इस वीडियो में हम क्विक कंपैरिजन करने वाले हैं इन दोनों लो बजट स्मार्टफोन्स का। ये है Samsung M14 और ये है Moto G04S। दोनों ही लो बजट स्मार्टफोन्स है दोस्तों, और प्राइस डिफरेंस लगभग 1 से 1.5 हज़ार आपको देखने को मिलता है दोनों में, लेकिन जो स्पेक्स है वो ऑलमोस्ट सेम से दोनों में दिए गए हैं। तो मैंने सोचा कि ना एक कंपैरिजन वीडियो भी बना दिया जाए, तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं कंपैरिजन। तो ये दोनों की डिस्प्ले से शुरू करते हैं। मोटो के अंदर आपको मिल जाती है 6.6 इंचज की HD प्लस रेजोल्यूशन वाली LCD डिस्प्ले, और M14 में है 6.7 इंचज की फुल HD प्लस रेजोल्यूशन वाली PLS LCD डिस्प्ले। दोनों का रिफ्रेश रेट है 90 हर्ट्ज, और बेजल वगैरह जो है सिमिलर दिए गए हैं दोस्तों, ये देख सकते हैं आप, चिन्ह भी जो है बिल्कुल सिमिलर है। डिजाइन जो अलग दिया गया है, M14 में आपको मिल जाता है यू शेप नोच वाला डिजाइन, और मोटो में है पंचोल डिस्प्ले। तो नो डाउट पंचोल जो है ज्यादा बेटर लग रही है, बाकी अपनी अपनी चॉइस है। इसके अलावा मोटो के अंदर आपको मिल जाती है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन, और सैमसंग के अंदर पता नहीं कौन सी जो प्रोटेक्शन दी गई है। बाकी कलर वगैरह जो है दोनों में अच्छे दिखते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं रेजोल्यूशन का जो है आपको यहाँ पर डिफरेंस देखने को मिल जाता है। बाकी मैं एक सैंपल प्ले कर देता हूँ, उससे आपको बेहतर पता चल जाएगा कौन सी डिस्प्ले जो है ज़्यादा बढ़िया है। कैसे लिखा आपको इनकी डिस्प्ले बताइए कमेंट करके, कौन सी ज़्यादा बढ़िया है कमेंट करके आप बता सकते हैं। डिस्प्ले के बाद चलते हैं स्पीकर्स की ओर। तो दोनों में आपको सिंगल स्पीकर सेटअप मिल जाता है दोस्तों, ये देखिए बॉटम में जो स्पीकर दिया गया, और मोटो के अंदर स्पोर्ट है डॉल्बी एटमॉस का, जिसकी वजह से जो इसका साउंड आउटपुट है वो बड़ा ही जबरदस्त हो जाता है। एक ऑडियो सैंपल भी मैं प्ले कर देता हूँ। उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम पूज दो ही दुनिया सारी, भला संग मेरे तू है जो खड़ा, भी हनुमत जैसा न कोई दूजा, खेल खेल में लंका जला दे। ऑडियो भी आपने सुन लिया, और अब बात करते हैं इनके डिजाइन की। तो कुछ इस तरह का डिजाइन आपको मिल जाता है दोनों का। सैमसंग में जो है ग्रेडियंट इफेक्ट वाला टेक्सचर दिया गया मैट फिनिश के पॉलीकार्बोनेट बैक के साथ, और सैमसंग ब्रांडिंग है बॉटम में। मोटो में आपको सिंपल मैट फिनिश मिल जाती है सेंटर में मोटो के लोगों के साथ, हो रहा है फिनिशिंग मुझे मोटो की ज़्यादा बढ़िया लगी है दोस्तों। आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी जो फिनिशिंग दी गई है मोटो के द्वारा, और मोटो जो है थिन भी है सैमसंग से। ये देखिए 7.99 mm जो इसकी थिकनेस है, दोनों में ही फिंगरप्रिंट सेंसर आपको साइड माउंटेड मिल जाता है, और काफ़ी अच्छा जो वर्क करता है ये देखिए, फास्ट और रेस्पॉन्सिव है दोनों के अंदर, और प्लास्टिक फ्रेम है दोनों में। अब पोर्ट्स भी देख लेते हैं, तो दोनों में आपको टाइप सी पोर्ट मिल जाता है चार्जिंग के लिए, और सिंगल स्पीकर सेटअप है, और 3.5 mm जैक भी जो है मिल जाता है आपको दोनों के अंदर। दोनों में आपको 5000 mAh की बैटरी मिल जाती है दोस्तों 15W चार्जिंग सपोर्ट के साथ, और मोटो के साथ आपको ये 10W का चार्जर भी मिल जाता है इन द बॉक्स। M14 के साथ कोई चार्जर आपको नहीं मिलता है, और भाई OS दोनों के अंदर Android 14 आउट ऑफ द बॉक्स। मोटो में आपको कोई भी फ्यूचर अपडेट नहीं मिलेगी, खाली 2 साल की सिक्योरिटी अपडेट्स हैं, और सैमसंग में आपको एंड्रॉयड 15 तक जो अपडेट मिलेगी, और 4 साल की सिक्योरिटी अपडेट इसमें मिलने वाली है। स्टोरेज की बात करें तो दोनों ही वेरिएंट 4GB रैम और 64GB रोम वाले हैं दोस्तों। वही सैमसंग में आपको 6GB रैम और 128GB रोम वाला वेरिएंट भी देखने मिल जाता है, लेकिन उसका प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा है। उतने प्राइस में आप 5G ही जो कंसिडर करेंगे, तो ये वाला वेरियंट जो बेस्ट है जिस प्राइस पे ये मिल रहा है। यूज्ड स्टोरेज आप देख सकते हैं इतनी जो है यूज्ड है दोनों में। दोनों में रैम प्लस का ऑप्शन आपको मिल जाता है, तो 4GB तक जो आप रैम एक्सपेंड कर सकते हैं वर्चुअली। तो दोनों में आपको 4G कनेक्टिविटी मिल जाती है, और ब्लूटूथ वर्जन 5.0 है मोटो के अंदर, और सैमसंग M14 के अंदर दिया गया है ब्लूटूथ वर्जन 5.1। और ये दोनों की सिम ट्रे, दोनों में आपको डेडिकेटेड SD कार्ड स्लॉट मिल जाता है दोस्तों, अप टू 1 TB का जो आप SD कार्ड इसमें लगा सकते हैं दोनों के अंदर, और डुअल नैनो सिम का ऑप्शन भी आपके पास है। और प्रोसेसर की बात करें तो M14 में है स्नैपड्रैगन 680, और मोटो के अंदर दिया गया है यूनिसोक T606। परफॉर्मेंस भी अच्छी आपको देखने मिल जाती है, ये देखिए मल्टीटास्किंग में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो ये थे प्रोसेसर, अब चलते कैमराज की ओर। तो मोटो में आपको सिंगल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है दोस्तों, 50 MP का जो ये कैमरा है, और क्वाड पिक्सल सेटअप जो दिया गया है साथ में LED फ्लैश। फ्रंट कैमरा है 5 MP का, और M14 में आपको मिल जाता है ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप, जिसमें 50 MP का जो है मेन कैमरा है, उसके अलावा 2 MP का है डेप्थ सेंसिंग, और 2 MP का आपको मैक्रो कैम देखने को मिलता है। फ्रंट कैमरा इसमें 13 MP का। अब UI भी चेक कर लेते हैं दोनों की। तो मोटो में ये देखिए फोटो मोड, वीडियो मोड, टाइम लैप्स, ये सारे मोड जो आपको मिल जाते हैं इसके अंदर। नाइट विजन का भी जो आपके पास ऑप्शन है, ये है सैमसंग की UI। तो इसमें भी आपको पोर्ट्रेट मोड, फोटो मोड, वीडियो
और मोर के अंदर और भी ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे कि स्लो मोशन, मैक्रो, नाइट मोड, पैनोरामा, हाइपरलैप्स, ये सब ऑप्शंस जो आपको मिल जाते हैं। बाकी वीडियो की बात करें तो सैमसंग भी आपको बेनिफिट है 60fps का, फुल HD 60fps पे रिकॉर्ड कर सकते हैं फ्रंट और रियर दोनों से ही, ये देखिए। लेकिन मोटो में सिर्फ 30fps का सपोर्ट है, दोनों के अंदर आप जूम भी कर सकते हैं, ये देखिए 10x तक जूम है। अब देखिए कुछ कैमरा सैंपल्स। और दोस्तों ये है साइड बाई साइड वीडियो कंपैरिजन, मोटोरोला में रिकॉर्ड हो रहा है फुल HD 30fps पे हो रहा है, सैमसंग में रिकॉर्ड हो रहा है फुल HD 60fps पे, दोनों ही क्वालिटी आपके सामने है, किसकी ज़्यादा बेटर है बताइए बड़ा कमेंट करके। तो भाई कैसे लगे आपको कैमरा सैंपल्स? सैमसंग का कैमरा जो है मुझे बेटर लगा है मोटो के मुकाबले, मोटो का ही बुरा नहीं है लेकिन जो सैमसंग की क्वालिटी कैमरा की वो ज़्यादा बेहतर है जो है यहाँ पर देखने को मिली है। आपकी क्या राय है बताइए कमेंट करके। और वे दोनों में 5000mAh की बैटरी है लेकिन इसके बावजूद वेट में आपको डिफरेंस देखने को मिलता है, मोटो जो है लाइट वेट है M14 से, दोनों का वेट जो है स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। तो दोस्तों यही था एक क्विक कंपैरिजन वीडियो दोनों ही फोन्स का, आप कौन सा परचेज करने वाले हैं या फिर परचेज कर चुके हैं बताइए कमेंट करके, परचेजिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में अगर परचेज नहीं किया है तो। बाकी दोनों ही फोन्स अपनी अपनी जगह काफ़ी बढ़िया है, जौन सा भी आपको चाहिए परचेज कर सकते हैं, किसकी लुक ज़्यादा बढ़िया लगी है, किसके स्पेक्स बढ़िया लगे है, सारी चीज़ें आप बता सकते हैं कमेंट करके। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, ऐसे बढ़िया बढ़िया प्रोडक्ट देखने के लिए। मैं मिलता हूँ आपसे एक और नई वीडियो के साथ, टाटा बाय बाय।